शाम प्यारे की जी। बोले शाम प्यारे की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले हारे के सहारे की जय। देखो अब 11 को हर 11 पे कीर्तन हो रहा है, पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले के कीर्तन में 6 महीने 8 महीने पहले कीर्तन में और आज के कीर्तन में बहुत फर्क दिख रहा है। मतलब पहले काफी प्रेमी आते हैं दरबार में बाबा को रिझाने, बाबा को बातें बताने, कीर्तन में सिर्फ बाबा से बातें करने, और कुछ प्रेमी और प्रेमी नहीं है बाबा के, वो आते हैं कि कहीं घूम के आना है, कहीं टाइम पास करना है, कहीं इंटरटेनमेंट करना है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इंटरटेनमेंट करने वाले इस दरबार में खत्म ही हो गए, कम नहीं खत्म हो गए पूरी तरह। बोलिए शाम प्यारे की। और ये दरबार तो वैसे ही भक्त श्री श्याम लिंग भक्त श्रोमणी श्री महंत श्री आलू सिंह जी महाराज का दरबार है। आलू सिंह जी महाराज का नाम सुना है किसी ने? घर में आरती गाते हैं, कहत आलू सिंह जी स्वामी मन वांछित फल पावे। आलू सिंह जी तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। तो ये ऐसे बाबा के अनन्य भक्त जिन्होंने बाबा श्याम का, आज तो हर जगह सुविधा है, गाड़ी है, फ्लाइट है, ट्रेन है, लेकिन जिस समय साधन नहीं थे उस समय केवल भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर नेपाल, वहां जाकर भी बाबा श्याम का कीर्तन किया, बाबा का प्रचार और प्रसार किया। जिस फागुन मेले में खाटू में सिर्फ 1500 से 2000 प्रेमी बाबा के दरबार में आते थे दर्शन करने, ना कोई सुविधा थी, कितने प्रेमी आते थे सिर्फ 1500 से 2000 फागुन मेले में। आज ये संख्या कितनी हो गई है? 50 से 60 लाख लोग फागुन मेले में आते हैं। तो इस सब उन्हीं की देन है। एक जयकार आलू सिंह जी महाराज के नाम पे। बोलिए आलू सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आलू सिंह जी महाराज से प्रेरणा लेकर हमने बाबा श्याम का एक फेसबुक पे, फेसबुक कौन यूज करता है बताओ, पहले फेसबुक चलाते हैं सर, तो उस पे का आता है श्री श्याम अखाड़ा ताली कीर्तन। तो आजकल क्या है, कोई प्रेमी होता है कीर्तन कराने का मन है, लेकिन कीर्तन बोले सिंगर तो सिंगर ही आजकल तो हाईफाई है सब, 50,000 से कम लेंगे नहीं। तो कोई जो आम प्रेमी है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो बाबा का कीर्तन कराने के बारे में सोच ही नहीं सकता। इच्छा बहुत है इसकी लेकिन वो सोच ही नहीं सकता। तो इसी को बंद करने के लिए अभी एक छोटी सी पहल की गई ताली कीर्तन। जिस प्रेमी के घर आर्थिक स्थिति कमजोर हो और बाबा का कीर्तन कराने का इच्छुक हो उनके घर पे बाबा का कीर्तन होना चाहिए। इसी में एक पहल की है हमारे बिहार के पटना से, उनका नाम है श्री श्याम सेना पटना। तो वो 15 से 20 श्याम प्रेमी है। तो जिस प्रेमी के घर पे कीर्तन कराने की इच्छा होती है रविवार को वो 6 से 10 4 घंटे जाते हैं और उस घर में वो पानी भी नहीं पीते, ना पानी पीते हैं ना चाय पीते हैं, प्रसाद भी खुद लाते हैं, माला भी खुद लाते हैं, और ना कोई माइक ना कोई साउंड, और बाबा कीर्तन होता है। तो बाबा ऐसे थोड़ी बोलता है कि मैं अमीरों के आऊँगा, बाबा तो जो जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसे है कृपा उसके पास नहीं है, कृपा उसके पास है जो बाबा के दरबार में बैठकर बाबा का भजन कर रहा है, वो सबसे बड़ा अमीर है। बोले श्याम प्यारे की। और आलू सिंह जी महाराज बाबा को पाने का एक तरीका बता के गए रहे हैं, सिर्फ भजन करना। क्या करना? भजन कर, और जो गाएगा सो ही पाएगा, बाकी बिन बोले। आप सोच रहे हो मैं गाऊंगा तो मेरे साथ वाले काम आएगा? नहीं आएगा, जो गाएगा उसके ही, क्योंकि जो तू भजे तुझको मिले, 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 जो मैं भजूं मुझको मिले, जो मैं भजूं मुझको मिले। ये बाबा तो सबका ही है, तेरा है ना मेरा है, बाबा तो भक्तों का है, ओ तेरा है ना मेरा है, बाबा
तो भक्तों का है, जो तू भजे तुझको मिले, जो तू भजे तुझको मिले, जो मैं भजूं मुझको मिले, जो मैं भजूं मुझको मिले। ये बाबा तो सबका ही है, तेरा है ना मेरा है, बाबा तो भक्तों का। बोलो बोलो, वो तेरा है ना मेरा है, बाबा तो भक्तों का। तो ये जो प्रेमी बैठे हैं आज, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भक्त का दरबार है, श्री आलू सिंह महाराज का, और सब भक्त ही बैठे हैं, प्रेमी सब। कोई मजे लेने वाला नहीं है इसके दरबार में, एंटरटेनमेंट करने वाला नहीं है, सब कौन है, आनंद लेने वाले हैं। और जो इनके भजनों में आनंद लेता है तो बाबा उसकी जिंदगी पूरी आनंद में बना देते हैं। बोले श्याम प्यारे की जय, बोले हारे के सहारे की जय, बोले शीश के दाने की जय। बोले आलू सिंह जी महाराज की जय, बोले श्याम बहादुर जी महाराज की जय। पहली पहली बार कौन आया है प्रेमी आज दरबार में बाबा के, बताइए एक बार, जो पहली बार आए हैं। तो आपको बताना चाहूंगा आज, जो भी आपके मन में इच्छा है सच्चे भाव से बस बाबा के सामने बोल देना, और अगली बार आप नहीं आएंगे, बाबा अपने आप आपको अपने पास खींच लेगा। अरे श्याम प्यारे, क्योंकि विश्व का, पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर जहां बाहर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम, ये क्यों लिखा है और कहीं नहीं लिखा हुआ ना। श्याम बाबा की ब्रांच चाहे लाखों खुल गई हो आज, लेकिन हेड ऑफिस तो एक ही रहेगा, कौन, खाटू के बाबा श्याम। बोले खाटू नरेश की जय, बोले हारे के सहारे की जय, बोले शीश के दाने की जय। श्याम बाबा कौन है ये, श्याम बाबा कौन है, क्या महिमा है इसकी। त्रेता युग में राम बड़ा, द्वापर में घन श्याम बड़ा, त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, त्रेता युग में राम बड़ा, द्वापर में घनश्याम बड़ा। बोलो बोलो, त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, अपने भक्तों के खातिर आज तू बाबा श्याम बड़ा, अपने भक्तों की खातिर आज तू बाबा श्याम बना। कोई नहीं है इस दुनिया में, 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 तुम सा देव महान तेरा जयकारा है, शीश के दानी महाबलवान खाटू वाले शाम तेरा जयकारा है, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले शाम तेरा जयकारा है, जयकारा है जयकारा श्याम धड़ी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धड़ी का जयकारा, वो जयकारा महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है, बोले श्याम प्यारे की जय हो। सब मिलके एक साथ, और जो जो कलियुग बढ़ रहा है वैसे वैसे बाबा श्याम की महिमा भी दिनों दिन बढ़ रही है। घर घर पूजा होती है
घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, अहो भाग्य हम दीनों के तेरे दर्शन होते हैं, बलवानी खाटू वाले श्याम राजकारा है, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम राजकारा है, जयकारा है जयकारा श्याम धड़ी का जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धड़ी का जयकारा, हो जयकारा है जयकारा श्याम धड़ी का जयकारा, महाबलवानी शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम राजे कारा है, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम राजे कारा है। बोले सच्चे दरबार की, किसको आनंद आ रहा है बताओ, आनंद आने वाले एक जयकारा लगाओ, बिल्कुल बोल हारे के, बोले आलू सिंह जी महाराज की, बोले श्याम बहादुर जी महाराज की, एक भजन और करें, सबका मन है, गाएंगे सब मिलकर, क्योंकि जब गाएंगे सब मिलकर तभी आनंद आएगा, ऐसे बैठे रहने से आनंद नहीं, गाएंगे तब आनंद आएगा। बोलिए हरे के सहारे की जय, आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे, बोलो बिन माझी के डूबेगी मेरी नैया, आजा मेरे कन्हैया बीच भंवर में नैया, बन जाओ श्याम की मैया बीच भंवर, बोलो बोलो आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे, डूबेगी मेरी नैया आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे, डूबेगी मेरी नैया आजा मेरे कन्हैया, आज आज श्याम बाबा आजा मेरे कन्हैया हो, श्याम प्यारे की।
बैठे हैं आप ऐसे सुनता नहीं हो जैसे बैठे हैं आप ऐसे सुनता हो जैसे बैठे हैं आप ऐसे सुनता नहीं हो जैसे बैठे हैं आप ऐसे सुनता नहीं हो जैसे नहीं आ हमारी मोहन उतरे की पार कैसे नैया हमारी मोहन उतरे की पार कैसे तुझे क्या पता नहीं है तुझे क्या पता नहीं है मझेदार में पड़े हैं आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे